पहली बार किया जा रहा है और भव्य दुर्गा पूजा किया जा रहा है। यहाँ जो मूर्तियाँ है बहुत भव्य बना, लगता है कि ऐसा मूर्तियाँ हमारे तुरकुलिया प्रखंड के अंदर में नहीं बना होगा। सुविधा भी लगा रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे हुए हैं। यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ शासकीय आएंगे चाहे जो भी श्रद्धालु आएंगे माँ दुर्गा से दर्शन करने, उन लोग को हम लोग विशेष सुविधा देंगे, किसी प्रकार कहीं से त्रुटि नहीं होने देंगे पूजा में। हम लोग निमुया चौक पे जहाँ देख सकते हैं नवयुग दुर्गा पूजा समिति, यहाँ पे बहुत भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ इस पूजा के जो कार्यकर्ता हैं और पूजा के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और हम इनसे जानते हैं दुर्गा पूजा को लेकर किस तरह की तैयारियाँ की जा रही है। बताए इस बार दुर्गा पूजा को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है। 2023 में पहले बार शुरू हो रहा है यहाँ पूजा। किस तरह की व्यवस्था यहाँ किया गया है? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, मेला वाला सब लगवाएंगे हम लोग, उसके बाद हम ड्रोन कैमरे यहाँ लगवा के हम निगरानी में रखेंगे, सीसी कैमरा लगेगा सब यहाँ, मतलब अच्छा व्यवस्था होगा, 50-60 हुआ घंटिया रहेगा सब यहाँ सब वहीं होगा। तो अध्यक्ष जी का कहना है कि यहाँ पे जो भी है सुरक्षा बेहतर किया जाएगा और ड्रोन के निगरानी से लोगों को निगरानी किया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से जो भी निगरानी होगी और भव्य तरीके से निगरानी किया जाएगा। तो दुर्गा पूजा किस तरह की तैयारी किया जा रहा है यहाँ पे इस बार दुर्गा पूजा यहाँ पहली बार किया जा रहा है और भव्य दुर्गा पूजा किया जा रहा है। यहाँ जो मूर्तियाँ है बहुत भव्य बना हुआ है और हम लोग को लगता है कि ऐसा मूर्तियाँ हमारे तुरकुलिया प्रखंड के अंदर में नहीं बना होगा कहीं। और इस मेला में हम लोग टावर झुलवा, ब्रेक डांस और मौत का कुआँ ये सारे यहाँ उपस्थित करा रहे हैं और परचुनिया लोग और हमारे क्या कहते हैं मीना बाज़ार, हर एक माल की सुविधा भी लगा रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे हुए हैं। यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम 200 दिन लगातार चले। इस बार सबसे बेहतर तिरकोलिया में कई जगह पूजा होता है, वहाँ से जरा हट किस तरह की इस बार व्यवस्था यहाँ पे रहेगा, पहली बार किया जा रहा है हम, और विशेष तौर पर लोगों को क्या सुविधा मिलेगी यहाँ पे? हम लोग की तरफ से यहाँ तमाम जो भी मेला देखने आएंगे चाहे जो भी श्रद्धालु आएंगे माँ दुर्गा से दर्शन करने, उन लोग को हम लोग विशेष सुविधा देंगे, किसी प्रकार कहीं से त्रुटि नहीं होने देंगे पूजा में हम लोग। और जो भी पब्लिक आएंगे उनका हम लोग खास ख्याल रखेंगे कि पब्लिक का कोई भी कहीं से दिक्कत ना हो, कोई भी कष्ट ना हो, कोई बच्चा इधर उधर ना जाए। हम लोग तमाम वॉलंटियर के माध्यम से सारे बातों पर निगरानी रखेंगे, सारे ध्यान बातों पर ध्यान देंगे कि किसी बच्चे का कोई ऐसा ना हो कि कोई बच्चा इधर उधर भटक जाए, उसके लिए हम लोग वॉलंटियर रखे हुए हैं 50-60 के संख्या में रखे हैं वॉलंटियर, ताकि हर वॉलंटियर एक एक काम पर अपना निगरानी कायम रखे और सीसी कैमरा का भी हम लोग इसमें व्यवस्था किया है। अब बताइए इस पूजा को लेकर आप लोग का अभी तैयारी किस तरह से चल रही है और कितने कार्यकर्ता इस पूजा में सहयोग कर रहे हैं? 50-60 कार्यकर्ता है पूजा में सहयोग कर रहे हैं। किस तरह की ये तैयारी अभी चल रही है दुर्गा पूजा को लेकर? अच्छा चल रही है, अभी सबसे अच्छा चल रही है। हमारे भी उस वक्त हम और यहाँ के दर्शक जो पूजा के कार्यकर्ता हैं और इनसे हम जानते हैं कि दुर्गा पूजा को लेकर किस तरह की आप लोग काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं बताइए। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे दुर्गा पूजा पहले से नहीं होता था, हम लोगों ने नौजवानों का यहाँ पे सपोर्ट, गार्जियन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ पे हम लोग दुर्गा पूजा इस साल से स्टार्ट कर रहे हैं, पूजा को आरम्भ कर रहे हैं। और यहाँ पे इस मतलब जिला का नंबर वन पंडाल भी बनाया जा रहा, लगभग 80 फीट हाइट है, 100 फीट हाइट है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो भी मतलब पूजा होगा, पंडाल होगा, उसके अलावा में मेला लगेगा, यहाँ पे झूला का व्यवस्था किया गया है, दुकान का व्यवस्था किया है, हर एक माल का व्यवस्था किया गया है, मूर्ति भी है बहुत अच्छा तरह से बना है, मूर्ति अभी मतलब प्रखंड में कहीं नहीं बना है, जिला की भी बात कर रहे हैं कहीं नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे मूर्ति बन चुका है, सप्ताह दिन पहले ही रेडी हो चुका है, पंडाल भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में सब कुछ को देख रेखाव किया जाएगा, यहाँ तक कि यहाँ पे एक खर भी गिर जाएगा उसका भी हम लोग हिसाब देंगे, यहाँ पे सब कुछ का व्यवस्था रहेगा, ऑलरेडी ड्रोन कैमरा का भी व्यवस्था किया जाएगा। और यहाँ पे मूर्ति में जो दर्शक मूर्ति के दर्शन करने जाएंगे, हाँ, उनके लिए खास तौर पे क्या व्यवस्था किया है, किस तरह की व्यवस्था है? उनके लिए व्यवस्था है कि जो महिलाओं के लिए अलग रास्ता किया गया है और जेंट्स के लिए भी अलग रास्ता किया गया है, ताकि कोई भी भीड़ भाव ना हो, वहाँ तक कि कोई मतलब दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, दर्शन करने जो भी भक्त आते हैं वहाँ पे अलग अलग रास्ता का व्यवस्था किया गया है, महिला एक साइड से जाएंगे, पुरुष एक साइड से जाएंगे। खास तौर पे महिलाओं के लिए बहुत जगह देखा जाता है बेहतर सुविधा नहीं होती, जहाँ महिलाएं नहीं पहुँचती है, हाँ, तो यहाँ यही बात हम बता रहे हैं आपको, महिलाओं के लिए यहाँ पे हम लोग अलग व्यवस्था किए हैं सीढ़ी के लिए, महिला एक रास्ता से जाएगी और पुरुष एक रास्ता से जाएगा।
मूर्ति में देखने के लिए अजूबा क्या होगा? हाँ, यहाँ पे मूर्ति में एक अजूबा है, क्या बोलते हैं उसका नाम, हम मूविंग मूर्ति। हाँ, यहाँ पे मूविंग मूर्ति का भी व्यवस्था किया गया है। ये कितने दूर तक दिखाया जाएगा एक दर्शक? टाइमिंग शाम के समय में है, आरती होने के बाद। लास्ट समय कितने बजे तक? लास्ट समय वो रात को 12 भी बज सकता है। दर्शक आएगा तो हम लोग काम है वहाँ पे दिखाना, मूर्ति जी का दिखाना। ये नहीं कि जो दर्शक कोई आए और माता रानी का दर्शन करने जाए और हम लोग दर्शन नहीं करें, वैसा बात नहीं है। जब आएगा मतलब माता रानी का जो भी दर्शन करना चाहता है, जितना भी रात को आएगा दर्शन होगा, दर्शन कराया जाएगा। इस बार के जो पंडाल की काफ़ी हाइट है और ऊँचाई है और ये पंडाल की बेहतर बनाई जा रही है, ये कितने की लागत से यहाँ की पंडाल निर्माण किया जा रहा है? ये जो लागत है इसका है ना पंडाल का, ये 2 से 2.5 लाख करीब की लागत है पंडाल। ये कारगर कहाँ के बनाए हैं? बहुत बेहतर है। कारगर आए हुए हैं कलकत्ता से और हम लोग स्पेशल बुलाए हैं ताकि भव्य पंडाल बने और इसका सुंदरता जो है बहुत सुंदर है। इसमें एक और चीज़ है, हम लोग मेला में इस बार महिलाओं के लिए टॉयलेट की भी व्यवस्था किए हैं। जो गाड़ियाँ आती है टॉयलेट वाला वो भी हम लोग मेला में लगाएंगे ताकि हमारी माता बहनें जो आती है इधर उधर टॉयलेट के लिए नहीं जा पाएँ। इस बार इस पंडाल में सबसे बेहतर क्या रहेगा? अभी तो इसका फ्रेमिंग हो रही है। इसमें सबसे हम लोग का दर्शनीय रहेगा मूवी मूर्ति। जो मूवी मूर्ति है हम लोग उसके लिए स्पेशल व्यवस्था की है मूवी मूर्ति के लिए, जो देखने योग्य होगा। बहुत सुंदर मूर्ति है और उसको देखकर पब्लिक बहुत प्रसन्न होगा। मेला है, मेला बाजार है आप लोग, और हम लोग लग रहा, हमको लग रहा है कि ये तुरकौलिया पंचायत प्रखंड में फर्स्ट संस्थान है। 2023 में हम लोग शुरू किए हैं पूजा, कि ऐसा पूजा कहीं नहीं हो रहा है। मूर्ति भी अच्छा बना है, पंडाल भी 70-80 फीट है और झूला मेला लग रहा है, मेला बाजार लग रहा है, ऐसे तरह सारी बहुत व्यवस्था। प्रखंड में कई जगह दुर्गा पूजा होता जी, है जी, वो उस जगह से इस तरह की किस तरह उससे बेहतर यहाँ पे क्या सुविधा दिया जाएगा, फीचर दिया? हम लोग सोच रहे हैं कि उस तरह से सारी बहुत अच्छा यहाँ हो, व्यवस्था हो, कोई भी दिक्कत ना हो। मुख्यालय से कुछ ही दूर पर बना हुआ है जी, यहाँ पे काफ़ी दर्शक भी आएंगे जी जी, और बेहतर सुविधा आप लोग को क्या रहेगा? हम लोग तरफ से वॉलंटियर की तरफ व्यवस्था रखे हैं, वॉलंटियर 40 से 50 वॉलंटियर व्यवस्था है, पूजा को देख रेख करेगा। कुछ दिक्कत हो CCTV कैमरा है, ड्रोन कैमरा है, हम लोग निगरानी करेंगे, कोई दिक्कत ना हो। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राजेश कुशवाहा है, यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। तो ये थे यहाँ के पूजा समिति के सदस्य और इन लोगों के साफ तौर पे कहना है कि इस बार दुर्गा पूजा को लेकर जो भी निगरानी होगी ड्रोन कैमरा के से होगी और यहाँ पे बेहतर लोगों को सुविधा दिया जाएगा।